हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आज की बिटकॉइन अपडेट में आप सभी का फिर से वेलकम है। आज काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भरा दिन रहा, काफ़ी काम वगैरह किया मैंने, लेकिन चलो बात कर लेते हैं अपने बिटकॉइन के बारे में। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम पर अगर नहीं ज्वाइंड हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ऑप्टिनवर्स की एंट्रीज जल्दी हम खोलेंगे एंड वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और बाकी चीज़ें भी वहीं पर मिल जाती हैं आपको। एंड मैं सोच रहा हूँ आज तो रेस्ट ले लूँ, बट कुछ टाइम के ही बाद मैं वहाँ पर एक रेगुलर अपडेट आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूँ टेलीग्राम पर। तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले वहीं से जाके टेलीग्राम से जुड़िएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम है, इसी से जुड़ जाइए जाकर। एंड बाकी इतना ही मुझे आपसे कहना था, बाकी अब बात कर लेते हैं हम लोग बिटकॉइन के बारे में। सो सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन का हम वीकली चार्ट नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे 4 आवर चार्ट, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये जो ड्राइंग है ये हम लोग कब से मेंटेन करते आ रहे हैं, यहाँ से करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो बिटकॉइन ने पहले क्रैश किया यहाँ पर अच्छा खासा 41 पे, और हम लोग ऊपर गए 45,000 तो नहीं गए, इस बार हम लोग पीछे ही रह गए, तो थोड़ा सा इसको मुझे नीचे रखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम 44,800 समझ के लमसम चले रिजेक्शन पॉइंट, तो हम 44,700 तक गए और वहाँ से नीचे आ गए। ठीक, अभी हम लोग क्या हो गया कि आप देखोगे बहुत ही परफेक्टली चार्ट प्ले आउट करता है अपना। यहाँ पर आप देखोगे इस जगह पर 41,700 की रेंज मैंने आपको बताई थी, और अभी पिछले 4 घंटे में यही हुआ है, 41,700 के पास आ गया। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन नीचे आएगा या ऊपर आएगा? मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल जो बायस है, एंड मेरा बायस कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, पहले मैं बता दूँ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, कोई भी रिस्क या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत लीजिएगा, बट अब बताते हैं आपको अपनी राय। ठीक, यहाँ पर देखिए ये होल्ड कर रहा है, कई बार इस लेवल को होल्ड किया है और बायर्स के ऑर्डर जो लगे हुए हैं वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं बैठे हुए। ठीक, पहले तो रिजेक्ट किया बायर्स, सेलर्स ने खूब सेलर्स ने रिजेक्ट करवा दिया सेल करके, लेकिन उसके बाद जब हम ऊपर आ गए एक बार तो यहाँ पर बायर्स ने कमान ले ली, बायर्स ने कई बार यहाँ से प्राइस को पुश किया। ठीक, आज भी वही कोशिश चल रही है, जारी है। तो इस जगह से अगर बायर्स करते हैं, यानी हमें वॉल्यूम दिख नहीं रहा, पहली चीज़ तो हमें वॉल्यूम नहीं दिख रही, दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें कुछ खास दिख भी नहीं रहा है यार। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये कि अगर कोई भी सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो यानी कि ऑर्डर जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, तो एक समय के बाद लोगों के पास पैसा नहीं बचता है, ये आप समझ रहे हो। जैसे आपके पास 1,000 रुपये हैं, आपने सोचा कि मैं बिटकॉइन को यहाँ खरीदूंगा, बाकी मैं अगले डिप में लूंगा जैसे ही डिप आती है। आपने 1,000 रुपये के 250 रुपये यहाँ पे लगाए थे बिटकॉइन, जब यहाँ रिजेक्ट हो गया आपने सोचा डिप आइए कर लेते हैं, आपने 250 रुपये का फिर से आप बिटकॉइन पंप हो गया, आपने नहीं खरीदा, आपने डिप का वेट किया, बिटकॉइन यहाँ क्रैश होकर फिर आया तो आपने 250 रुपये और लगाया, अब आपके 500 रुपये चले गए, फिर आपने यहाँ पर 250 रुपये और लगाए। ठीक, अब बिटकॉइन उठ गया था, अब आपको लगा कि नहीं यार अब तो उठ गया है, फिर बिटकॉइन उसी प्राइस के पास आया, आपने फिर से 250 उठाए, अब एक टाइम के बाद आपके पूरे 1,000 खर्च हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या बाय करने को? वैसे ही बायर्स के पास नहीं बचता है सपोर्ट के पास कुछ भी बाय करने का। ठीक, एक वैलिड रीज़न जब कई बार टेस्ट होता है, तो मेरे ख्याल से टूट भी सकता है। ठीक, टूट भी सकता है, यस, मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, कह रहा हूँ टूट भी सकता है। तो अगर ये टूटता है तो मैंने आपको बताया था कि 38,000 तक आ सकता है। ठीक, दूसरा जो मैं अपना पर्सनल अब बताऊँ जो मन में चल रहा है, ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो दिख रहा है चार्ट में, दिख यही रहा है कि ये बार बार टेस्ट हो रहा है। ठीक, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बिटकॉइन का मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भले बता दूँ टूटना, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा बेस बन रहा है, इस एरिया कह रहा हूँ। कैसे बन रहा है दिखाते हैं आपको ज़रा, यहाँ पर नहीं आपको दिखाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा वीकली है, ये वाला वीकली है, तो इस वाले में अगर हम बात करें तो बिटकॉइन ने मिडिल लाइन पर रिजेक्शन लिया है। मिडिल लाइन हमारी कौन सी है? मिडिल लाइन हमारी ये वाली है, बुलिंजर बैंड की, और एक तो बुलिंजर बैंड की मिडिल है, और एक ये वॉल्यूम के हिसाब से अच्छी खासी जो एरिया है 44,300 या समथिंग। बिटकॉइन का वीकली जो कैंडल है उसने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिखा दिया है, मतलब ये जो वीकली कैंडल है इसने काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिखा दिया है, तो ये तो इसके हिसाब से अगर कोई भी ट्रेडर देखेगा नॉर्मली तो वो ये कहेगा प्राइस नीचे आना चाहिए, प्राइस यहाँ तक आ जाना चाहिए इस जगह तक, और यहाँ के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन प्राइस यहाँ आ जाना चाहिए डायरेक्ट, और एक ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी था, तो जो लोग हैं वो यही बोलेंगे कि ट्रेडर भी यही बोलेंगे। बट मेरे ख्याल से अभी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही, और खासकर वॉल्यूम दोनों साइड में ही नहीं है, ना सेलिंग ना वॉल्यूम बाइंग,
तो मेरे ख्याल से प्राइस को स्टेबल रहना चाहिए कुछ टाइम, और ये एक अच्छी परफेक्टली रेंज रहेगी जो कि हमारी 41,700 से लेकर 44,800 समथिंग के आसपास, 900 नहीं आप 800 मान लो, थोड़ा सा नीचे मानो 44,800 के आसपास, ये एक अच्छा बेस बन रहा है। अब यहाँ पे बिटकॉइन के पास पूरा वैलिड रीजन है, और मैं खुद भी चाहता हूँ पर्सनली कि बिटकॉइन एटलीस्ट $50,000 तक तो जाए, $50,000 तक जाए, और वहां से रिजेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, पहले $50,000 जाए। क्यों? मिडल में हमने कई बार किया है, कई बार का मतलब ये है कि जब भी हम बिटकॉइन के नीचे बोलिंजर को टच करने आए तो हम लोग करेक्ट करते करते मिडल तक तो एटलीस्ट गए। यहाँ पर आप देखो, इस एक एरिया पर देखो, एग्जांपल है अच्छा, जब हमारा मिडल से टूटा, हम नीचे टच करने आए, उसके बाद हम मिडल को फिर रीटेस्ट करने गए, फिर हम लोग भले नीचे आए लेकिन हम मिडल को तोड़ा हमने अगली बार तो ऊपर चले गए, फिर हम मिडल से तोड़े, फिर हम मिडल की ओर भागे, तो मिडल की ओर भागना हमारे लिए एक वाजिब रीजन बन जाता है, यानी मस्ट टू हैव रीजन बन जाता है कि मिडल को तो टच करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं $50,000 की थ्योरी, और ये थ्योरी मुझे लगता है अगर हम वीकली में देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये मार्च में पॉसिबल हो आगे चल के, ठीक हो सकता है वो नीचे हो 49,000 आ जाए तब तक 48 आ जाए, बट मेरे ख्याल से मार्च तक हमें कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, या तो मार्च में हमें बिटकॉइन यहाँ 50,000 के आसपास मिलेगा या फिर हमें बिटकॉइन वहां से रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च में एक तो बहुत इवेंट भी आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मार्च में बहुत सारे इवेंट्स हैं बिटकॉइन से रिलेटेड जो बिटकॉइन के फ्यूचर को देखेंगे। पहला इवेंट हमारा वो फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स की मीटिंग है वो होगी, दूसरा उससे पहले कुछ और भी होना था जो कुछ दिन पहले होना था वो भी देखना है हमें। तो अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मुझे आपको आपके साथ डिस्कस करने, वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, पर फिलहाल जो मेरा बायस है वो यही है कि एटलीस्ट बिटकॉइन को 50,000 तक की रैली करनी चाहिए थी, वहां से रिजेक्ट होना चाहिए था। अब मेरे मानने से तो मार्केट चलती नहीं, बट फिर भी एटलीस्ट यहाँ तक का रिजेक्शन बनना था $50,000, और जब तक नहीं हुआ उतने चांसेस बढ़ते हैं ऊपर जाने के, ठीक। और मेरे ख्याल से वीकली में बंद तो नीचे की ओर रही है, और नॉर्मल ट्रेडर भी आपसे यही बोलेगा कि ये नीचे आना है, बट फिर भी आई थिंक अगर ये यहाँ पर होल्ड कर ले जाता है 41,700, और बार बार जब बायर्स का रह जाता है तो हो सकता है या तो इंस्टीट्यूशनल एक साथ वॉल्यूम ले आए, कोई सेंटिमेंटल न्यूज़ आ जाए, उसकी वजह से बिटकॉइन 45,000 को तोड़ता हुआ हमारा डायरेक्ट 50,000 की ओर चला जाए, ये हो सकता है, ठीक। और पहले भी हमने 50,000 की तरफ हमने रैली की थी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम इस जगह की ओर रैली कर जाएं और हमारा जो चार्ट ड्रॉन था उस तरह से हम लोग वर्क करें। तो फिलहाल इस अपडेट का मतलब क्या था, क्या मतलब था, आपने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया है भाई। तो मैं आपको बताता हूँ, मेन सिंपल, बिटकॉइन 41,700 जितनी बार लड़ रहा है कमजोर पड़ रहा है, ये बात याद रखना। दूसरी चीज, कमजोर पड़ेगा तो टूटने के चांसेस रहेंगे, ठीक, एक तो पहली थ्योरी ये है। तो अगर ये यहाँ 41,700 नहीं होल्ड कर पाया, ठीक, तो आप समझ लीजिएगा कि ये मतलब नीचे कहीं पे यहाँ कहीं भी आ गया, मतलब 40,700-800 भी, तो आप समझ लीजिएगा कि शायद हो सकता है हम नीचे आए क्योंकि वॉल्यूम नहीं है बीच में कहीं भी, ठीक। तो हो सकता है हम लोग 38,000 तक आ जाए यहाँ कहीं पर नीचे, ठीक, एक ये पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है। दूसरा ये है कि बिटकॉइन अगर इससे नहीं हो, यहाँ से नहीं क्रैश हुआ तो, और हम ऊपर की ओर यहाँ तक जाते हैं, तो मे बी हम फिर से एक ऐसे ही रैली करें 45,000 के आसपास आ जाए और वहाँ पर फंसे रह जाएं। फंसे रहने का मतलब मेरा ये है कि 45,000 $45,000 तक हम लोग आएँ और वहाँ पे हम लोग को अगर वॉल्यूम आगे मिलती है तो हम इसको तोड़ के आगे इसको सपोर्ट कन्फर्म करके फिर से ऊपर की ओर चले जाएँ, ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होगी यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम, ठीक, इस एक एरिया के अराउंड वॉल्यूम बहुत अच्छी चाहिए होगी, वॉल्यूम जो कि है नहीं हमारे पास अभी, और वॉल्यूम का ही खेल है क्योंकि वॉल्यूम आ भी नहीं रही ना ट्रेडिंग, और वॉल्यूम आएगी कब, जब हमें कोई अच्छा इवेंट कोई सेंटिमेंटल न्यूज़ देखने को मिले। तो फिलहाल अभी मैं ओवरऑल बोलूँ तो आप लोगों बाय कर सकते हो बिटकॉइन को क्योंकि नीचे डिप में आए एज ऑफ दिस मोमेंट, और ये एक सपोर्ट ही है जहां पर बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेनली बिटकॉइन को डीसीए कर रहे हो तो करते रहो भाई, कोई भी यहां पर दिक्कत की बात अभी नहीं है बिटकॉइन में, और फंडामेंटल में भी कोई खराबी चीज़ नहीं है, तो आप बेसिकली बिटकॉइन को बाय कर सकते हो, आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक जो चैनल बन रहा है जितना टाइम हम गुजारेंगे इस चैनल में हमारे लिए उतना अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बिटकॉइन ने कई बार ऐसा हिस्ट्री में किया भी है, ठीक, बिटकॉइन ने कई बार टाइम लिया है उठने से पहले, एक अच्छा बेस बनाया, मजबूत बेस बना रहा हो सकता है जो कि ये आगे चल के बहुत तगड़ा सपोर्ट बन जाए ये एरिया ना, कभी आगे चल के हम क्रैश होने के यहाँ आए तो अगली बार यहीं तक आए, तो ऐसा हो सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, अगर कंफ्यूज हुए हो तो प्लीज नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।